हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेज। मायसेल्फ संतोष कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डू थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। दिस इज जॉर्डीज फॉन फ्रॉम एनसीईआरटी हनी ड्यू बुक ऑफ क्लास 8। ऑलरेडी वी हैव डन टू पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। वुमेन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अचानक से उसके सामने वो दृश्य आ गया जिसकी उसे तलाश थी। उसे वो फॉन हिरनी का बच्चा दिखाई दिया और वो आश्चर्य में पड़ गया और थोड़ा सा एक कदम पीछे हो गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। हिरनी के बच्चे ने अपना चेहरा उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज। उसने अपने सिर को घुमाया और चारों तरफ घुमाते हुए आश्चर्य से वो जॉर्डी की तरफ आंसू भरी आंखों से देखने लगा। इट वॉज क्विवरिंग, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। वो ना तो उठने की और ना तो भागने की कोशिश की। जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जॉर्डी को भी यकीन नहीं हो रहा था और वो भी मूव नहीं कर पा रहा था। ही विस्पर्ड इट्स मी। तब जॉर्डी ने विस्पर करते हुए बड़े प्यार से सॉफ्टली कहा, इट्स मी, मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। हिरनी के बच्चे ने अपनी नाक उठाई और उसे स्मेल करने लगा, मानो वो सूंघ रहा है। He reached out one hand and laid it on the soft neck. जॉर्डी ने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसके मुलायम गर्दन पे रख दिया। The touch made him delirious. और उसके टच ने उसे excited, उत्तेजित कर दिया। He moved forward on all fours until he was close beside it. और वो हिरनी का बच्चा अपने चारों पैरों पे खड़ा होकर उसके करीब आया। He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. उसने फॉन के बॉडी को अपने बाहों में ले लिया और एक कंपकपी सी लहर दौड़ गई, लेकिन वो मूव नहीं किया। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, and he might break it. और जॉर्डी उसके शरीर पे बड़े प्यार से संभालते हुए हाथ को फेर रहा था, मानो वो चाइना डियर हो। चाइना डियर मीन्स चीनी के मिट्टी का बना हुआ कोई डियर हो जो टूट सकता है। इट्स स्किन वॉज सॉफ्ट, उसका जो स्किन है बहुत ही मुलायम था। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। वो बहुत ही चमकीला और सॉफ्ट था। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो धीरे से उठा और हिरनी के बच्चे को जमीन से उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी टांगें लंबी लंबी थी और वो लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसकी टांगें बहुत ही लंबी थी, इसलिए जॉर्डी को बहुत ऊंचाई पर जितना हो सके उसको उठाना पड़ा। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। वो इस बात से डर रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को देख के उसकी स्मेल से वो चिल्लाने ना लगे और किक ना करने लगे। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। उसने वहाँ की झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ा। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम। उसने फॉन को भी उठाया हुआ था, उसके ऊपर बोझा था, इसलिए उसको चलने में भी दिक्कत हो रही थी और फॉन की टांगें झाड़ियों में फंस जाती थी जिसको वो खुद नहीं निकाल पाता था, तो जॉर्डी को निकालते हुए आगे बढ़ना था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स। और वो फॉन के चेहरे को भी कटीली झाड़ियों से बचा रहा था। इट्स हेड वॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड। और फॉन की गर्दन भी उसके सिर भी थोड़ा मूव कर रहा था जो दिक्कत कर रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि मानो वो जॉर्डी को एक्सेप्ट कर लिया हो। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। फिर वो झाड़ियों वाली एक पगडंडी पे आ गया जहाँ से वो तेजी से आगे बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे उस रोड पे आ गया जहाँ से उसके घर के लिए रास्ता निकलता है। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। वो वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया और फोन को, हिरनी के बच्चे को, उसकी टांगों पे खड़ा कर दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। वो अपनी टांगों पे लड़खड़ा रहा था और जॉर्डी को देख के चिल्ला रहा था।
ही सेड इंचेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। उसने प्रसन्नता से कहा, रुको मुझे सांस लेने दो फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। तभी उसे अपने फादर की बात याद आ गई कि अगर फॉन को हिरनी के बच्चे को पहली बार जिसने उठाया वो उसको फॉलो करता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम। फिर वो थोड़ा सा उससे दूर गया तो देखा कि फॉन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। फिर वो उसके पास आया उसे उठा के फिर से चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पीटियसली। वो थोड़े कदम उसके पीछे चला और फिर चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। ऐसा लग रहा था कि वो उसके पीछे चलना चाहता है। इट बिलोंग टू हिम इट वॉज हिज ओन ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। अब फॉन जॉडी का हो चुका था। इस बात को सोच के वो बहुत ही खुश हुआ। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। वो इसे दुलार करना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विथ इट। वो उसके पीछे दौड़ना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। वो चाहता था कि वो उसको बुलाए तो वो उसके पास आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। और वो उसे डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज ओन आर्म्स। फिर उसने अपने बाहों में उसको पकड़ के उसको उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि बिना किसी दिक्कत के वो चल सकता है। हिज आर्म्स बिगैन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। उसके हाथों में दर्द होने लगा जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। वेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। जब वो आगे वॉक करने लगा तो फॉन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन। थोड़ा सा उसको चलने दिया फिर से उसको उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब घर पास में ही था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। वो कभी उसे उठा के कभी अपने पीछे आते हुए उसे देख के वो सारा दिन चलते रहा और अंधेरा होने को आया। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। वो पसीना से एकदम भीग गया था लेकिन जून मॉर्निंग जैसी हवा ने उसे ठंडक पहुँचाई। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। स्काई इतना क्लियर दिख रहा था जैसे कि चाइना कप में रखा हुआ स्प्रिंग वाटर। ही केम टू द क्लियरिंग इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। पूरी तरीके से आसमान साफ था। रात की बारिश की वजह से चारों तरफ ताजगी और हरियाली थी। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। वो घर पहुंच गया और फोन को नीचे रख के कुंडी खोला। देन ही हैड एन आइडिया। फिर उसे एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। उसने सोचा कि वो वॉकिंग करते हुए अपने फादर के बेडरूम में जाएगा और फोन भी हिरनी का बच्चा भी उसके पीछे पीछे वॉक करते हुए आएगा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर पेनी ले विद क्लोज्ड आइज। फिर वो हिरनी के बच्चे को उठाया और अपने फादर के पास गया जहाँ उसके फादर अपनी आँखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड पा लुक। जॉडी ने बुलाया, पिताजी देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड जॉडी स्टूड बिहाइंड हिम द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। फादर ने अपना सिर घुमाया, देखा कि जॉडी उनके बगल में है और हिरनी के बच्चे को पकड़े हुए है। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। उसके फादर को लग रहा था कि उस लड़के की आंखें इतनी चमक रही थी जितनी कि उस हिरनी के बच्चे की। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये मिल गया। जॉडी देन वेन टू द किचन। जॉडी फिर किचन में गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। फोन भी उसके पीछे पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। किचन की अलमारी में सुबह का दूध रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उस पर क्रीम भी आ गए थे। ही स्किम्ड द क्रीम इन टू अ जग। ही पाउर्ड मिल्क इन टू अ स्मॉल गॉर्ड। दूध में से क्रीम को जग में निकाल दिया और एक बर्तन में दूध को ले लिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। फिर वो उसे हिरनी के बच्चे के लिए ले लिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क।
उसने मिल्क को सूंघा और उसे लात मारने की कोशिश की। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनसली फ्रॉम स्पेलिंग ओवर द फ्लोर। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड। जॉडी ने बड़ी सावधानी से दूध को फ्लोर पर गिरने से बचा लिया। अगर गिर गया था तो उसके बर्तन में एक भी दूध नहीं रहता। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इन टू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। उसने फिर अपनी उंगलियां मिल्क में डुबोई और हिरनी के बच्चे के सॉफ्ट माउथ में डाल दी। वो भूखा था इसलिए उसने उसकी उंगली को चूस लिया। व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटर्ड हिम। और जब उसने उंगलियां निकाल ली उसके मुंह से तो वो चिल्लाने लगा और पैर पटकने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एज द फॉन सक्ड। ही लोअर्ड देम स्लोली इन टू द मिल्क। फिर उसने अपनी उंगली मिल्क में डुबोई और हिरनी के बच्चे ने उसको भी चूस लिया। धीरे धीरे वो अपनी उंगली मिल्क के पास ले आया। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोर्ड। हिरनी के बच्चे ने फिर खुद से दूध पिया और छींक आ गई उसको। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली। वो इम्पेशेंटली अपने पैरों को पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। और वो अपनी फिंगर को मिल्क के लेवल तक रखे रहा जिससे फॉन दूध पिया और सेटिस्फाई हो गया। इट क्लोज्ड इट्स आइज डिमली। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। हिरन का बच्चा जब पॉट में रखे हुए मिल्क को पीने लगा तो उसकी टंग जब जॉडी की उंगलियों पर टच होती थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था और उसने आंखें बंद करके बहुत ही अच्छा महसूस किया। फिर वो हिरनी का बच्चा अपनी छोटी सी टेल छोटी सी पूंछ को बड़े प्यार से हिलाने लगा और उसने दूध के अंतिम पार्ट को भी या जो झाग था जो भी बचा था उसने सारा दूध देखते ही देखते पी लिया और सेटिस्फाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कम्प्लीटेड द होल स्टोरी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। सी यू अगेन विथ अ न्यू चैप्टर न्यू पोएम न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।